गुड मॉर्निंग, मैं रघु पालीवाल सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम क्लास 12 हिंदी साहित्य में जो कल ही हमने शुरू किए हैं सिलेबस के बारे में परिचय दिया था और सिलेबस में वो विभिन्न भागों में हमने बांटा था और हमने ये कहा था कि काव्य शास्त्र जो पार्ट है, काव्यांग परिचय जो पार्ट है, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मैंने ये सोचा है सबसे पहले अपने काव्यांग परिचय क्यों ले जाए, तो काव्यांग परिचय मैंने गुण की बात की थी, तो आज हम काव्यांग परिचय के अंतर्गत गुण के बारे में ही बात करेंगे। किसके बारे में? गुण के बारे में हम काव्यांग परिचय में आज बात करेंगे कि काव्य में गुण की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, काव्य में गुण क्यों आवश्यक है। जिस प्रकार रस आवश्यक होते हैं उसी प्रकार काव्य में गुण भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि काव्य के महत्वपूर्ण अंग माना जाता है रस, अलंकार, गुण, ये सभी है। तो काव्य का जो एक अंग है वो महत्वपूर्ण है, गुण है। तो आज हम गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो काव्य के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? रस, गुण, रीति और अलंकार। इन चारों की अपनी अपनी जगह पर विशेष रूप से भूमिका होती है। चाहे रस की बात करें तो काव्य में रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नौ रस होते हैं, नौ रस में सभी रसों का अलग अलग विभाजन होता है और कौन से रस का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वह रस के अंतर्गत। दूसरा गुण, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, काव्य में गुण की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या काव्य गुण युक्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गुण युक्त काव्य नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, किस वजह से। रीति, काव्य में रीति की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और चौथा है अलंकार, जो हम अभी पढ़ रहे हैं वैसे भी अलंकार की काव्य में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी चारों की काव्य में अलग अलग भूमिका होती है। गुण की परिभाषा की जब बात करें तो काव्य की आत्मा रस के उत्कर्ष का विधान करने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। काव्य की आत्मा क्या होती है? रस। रस के उत्कर्ष का मतलब होता है उसमें वृद्धि करना, उसमें बढ़ोतरी करना। उत्कर्ष का विधान करने वाले, उत्कर्ष को निश्चित करने वाले जो तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। काव्य की आत्मा रस जो होती है, काव्य में रस प्रयुक्त होता है और उसमें जो श्रीवृद्धि जो करते हैं, उसमें जो बढ़ोतरी जो करते हैं वो कौन करते हैं? गुण करते हैं। जिस प्रकार शरीर का संबंध जो आत्मा से होते हैं वैसा काव्य का संबंध किससे होता है? रस से होता है। और रस के उत्कर्ष का विधान करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। शरीर में जिस प्रकार आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वैसे काव्य में रस की भूमिका होती है। इसलिए शरीर में जैसे आत्मा होती है वैसे काव्य में क्या होता है? रस होता है। और उसी काव्य रस में जो उत्कर्ष होता है, उसमें जो बढ़ोतरी होती है, उसमें जो श्री वृद्धि होती है वो कौन करते हैं? गुण करते हैं। अब गुण का महत्व क्या होता है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो जो परिभाषा में जो बात की गई है वही गुण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि रसोत्कर्ष के हेतु होने के कारण गुण रस के धर्म कहलाते हैं। रसो उत्कर्ष यानी रस को बढ़ाने में हेतु यानी प्रमुख कारक भूमिका निभाने के कारण गुण को रस के धर्म कहा जाता है। गुण को रस का क्या कहते हैं? धर्म भी कहते हैं, क्योंकि रस का उत्कर्ष का विधान करने वाले क्या कहलाते हैं? गुण ही कहलाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने गुणों के बारे में अलग अलग परिभाषा दी, अलग अलग अपने विचार दिए। तो दिन विद्वानों के बारे में हम बात करते हैं कि आचार्य विश्वनाथ जो साहित्यकार के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में जिन्होंने साहित्य दर्पण ग्रंथ लिखा था, जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, उन्होंने ये कहा कि वास्तव में गुण क्या होते हैं? गुण, अलंकार व रीति उत्कर्ष के हेतु है। उन्होंने तीनों को माना, गुण को भी माना, अलंकार को भी माना व रीति को भी माना। हम क्या पढ़ते हैं? गुण पढ़े। तो इन तीनों में से एक बात कौन से है? गुण है। तो गुण की बात है कि रस के उत्कर्ष के हेतु है, तीनों को उत्कर्ष का हेतु माना गया है। उसके बाद ये वामन, वामन की परिभाषा सबसे इंपोर्टेंट मानी जाएगी आपके, क्योंकि काव्य गुण में सर्वश्रेष्ठ स्थान जो माना जाते हैं वो वामन का माना जाता है। वामन, वामन की परिभाषा दी, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा भक्ति। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा प्रदान करने वाले धर्म जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। हमने ऐसी कैसी परिभाषा अलंकार में पढ़ी थी, ऐसी कैसी परिभाषा हमने अलंकार में पढ़ी थी, उसमें काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, हमने ऐसी कुछ परिभाषा पढ़ी थी, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते। तो वहां पर काव्य की शोभा में श्री वृद्धि करने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते थे? अलंकार। लेकिन यहाँ पर क्या बात बताएगी, ये काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म जो होते क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। तो अलंकार और गुण
दोनों काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार जो होते हैं काव्य की शोभा में श्रीवृद्धि करते हैं, लेकिन अलंकार से पहले जो विस्तार होता है काव्य में वो किसका होता है? गुण का होता है। अलंकार से पहले जो स्थान होता है काव्य में किसका होता है? गुण का होता है। गुण के पश्चात जो काव्य में जो श्रीवृद्धि जो होती है वो कौन करते हैं? अलंकार। दोनों में मैंने अंतर भी यहाँ पर वापस स्पष्ट किए हैं। गुण काव्य को शोभा प्रदान करने वाले व काव्यत्व लाने वाले धर्म है। कौन? गुण काव्य को शोभा प्रदान करते हैं व काव्यत्व लाने वाले धर्म है। और काव्य को शोभा प्रदान करने के साथ साथ उसमें काव्यत्व लाते हैं, यानी काव्य का वास्तव में तत्व क्या होते हैं वो प्रदान करते हैं, लेकिन अलंकार काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म है। धर्म गुण भी है और धर्म अलंकार भी है, लेकिन दोनों में अंतर ये है। पहला जो स्थान होगा काव्य के क्षेत्र में, रस के उत्कर्ष विधान के क्षेत्र में, गुणों का होगा। गुणों के पश्चात जो स्थान होगा वह किसका होगा? अलंकार होगा। क्योंकि गुण तो होते हैं काव्य को शोभा प्रदान करते हैं और उसमें काव्यत्व लाते हैं, उसमें भावत्व प्रदान करते हैं, लेकिन अलंकार जो होते हैं काव्य की शोभा जो गुणों के द्वारा प्रदान की गई है उस शोभा में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। वामन के पश्चात भोज की परिभाषा, अलंकृत काव्य भी गुणहीन होने के कारण श्रवणीय यानी अर्थात सुनने योग्य नहीं होता है। तो भोज ने भी अलंकार की तुलना में जो श्रेष्ठ बात मानी है वो किसको माना है? गुण को माना है। अलंकार की तुलना में भोज ने किसको श्रेष्ठ माना है? गुणों को माना है। उन्होंने क्या कहा? अगर काव्य में अलंकार कितना भी प्रयुक्त किया जाए लेकिन उस काव्य में अगर गुण नहीं है, उस काव्य में अगर गुण नहीं है तो वह काव्य कभी भी श्रवणीय अर्थात सुनने योग्य नहीं बनेगा। अलंकार काव्य में भले ही हो जाए लेकिन अगर उस काव्य में गुण नहीं है, उस काव्य में कुछ विशेष बात नहीं है, तो उस काव्य में अलंकार होने के पश्चात भी उस काव्य की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। तो काव्य में अलंकार की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ मानने वाले जो है वो कौन है? वामन। सर्वप्रथम हमें परिभाषा जो पूछ जाए आपके काव्य शास्त्र के क्षेत्र में काव्य के गुणों में किसको मानेंगे? हम वामन को मानेंगे। अलंकार के क्षेत्र में जो गुणों की बात में गुण की परिभाषा अगर आपको पूछे किसी भी साहित्यकार की, तो यह जो परिभाषा होती है आपके वामन की परिभाषा, वह परिभाषा सर्वश्रेष्ठ काव्य शास्त्र के क्षेत्र में मानी जाती है। थोड़ा सा माइनरी आपके अंतर होते हैं अलंकार और गुण में, लेकिन गुणों का स्थान काव्य में पहले आता है और अलंकार का स्थान काव्य में क्या आता है? बाद में आता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमें परिभाषा के बारे में वामन ने क्या परिभाषा दी, विश्वनाथ ने क्या बताया और भोज ने क्या बताया, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं।